Hello everyone, we are team of Monica Arts Nursing Academy. Today we are here with the new topic that is medical instrument. तो आज हम medical instrument के बारे में पढ़ेंगे. जैसे सबसे first image जो हमारे पास है, this is a needle forceps. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, right hand side में यहाँ पे image बनी है. ये needle forceps है. अब ये किस चीज के लिए use होता है? जैसे आपने needle को hold करना है. Needle हम कब hold करते हैं? जैसे आप stitches लगा रहे हो, ठीक है? During the suture procedure, आपने needle पकड़नी होती है, तो direct आप हाथ से नहीं पकड़ते हो. You use some instrument and the name of that instrument is that is needle forceps. Second is dressing scissors. जब आप कोई चीज dressing कर रहे हो, जैसे मान लो किसी को wound है, जैसे मान लीजिए कि someone is having suffering from the diabetes mellitus और उसके foot में जख्म बना हुआ है. अब वहाँ पे dressing कर रहे हो, now you have to cut that. तो उस gauge piece के through जो आप dressing कर रहे हो, आपने उसको cut करना. That is with the help of scissor. That is dressing scissor. This is the image of the dressing scissor. एक इसमें आपका जो पार्ट होगा सीजर का वो ब्लंट होगा और दूसरा आपका शार्प होता है. नेक्स्ट वन इज ईयर सिरिंजेस. ये जो आपके पास इमेज है, दिस इज द इमेज ऑफ ईयर सिरिंजेस मेड अप ऑफ द स्टेनलेस स्टील. जैसे आपने इरिगेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सलाइन, जैसे कान में मान लीजिए जो वैक्स होता है, अब ईयर वैक्स काफी हार्ड हो चुकी है, अब आपने उसको बाहर निकालना, यू हैव टू इरिगेट दैट. तो इरिगेशन के लिए आप नॉर्मल सलाइन यूज करते हो. जो आपने इंसर्ट करना है, तो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो फॉर द इंसर्शन ऑफ नॉर्मल सलाइन फॉर द इरिगेशन, दैट इज ईयर सिरिंजेस. नेक्स्ट इज एंडाइम. टू पुट द इरिगेशन क्यू सच एज नॉर्मल सलाइन फॉर आई इरिगेशन. जैसे किसी पर्सन का आपने आई इरिगेशन करना है, जैसे मान लीजिए आंख में जो है कोई फॉरेन बॉडी जो है वो जा चुकी है, अब आपने उसको निकालना है, आपने इरिगेट करने आई को, देन इन दैट केस वी यूज द अंडाइन. नेक्स्ट इज द बार्ट पार्कर हैंडल. ये जो यहाँ पे इमेज बनी है, दिस इज अ बीपी हैंडल, बार्ट पार्कर हैंडल. ये किन किन चीजों के लिए यूज होता है? फर्स्ट फंक्शन इज होल्ड ब्लेड, ब्लेड को होल्ड करने के लिए. एंड सेकेंड वन इज फॉर इन इट फिट इन वेरियस साइज ऑफ ब्लेड. ये डिफरेंट, जो हम ब्लेड की बात करें तो ब्लेड के साइज जो है वो एक नहीं होता है, वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द साइज ऑफ द ब्लेड. सो उसको होल्ड करने के लिए वी यूज बीपी हैंडल. नेक्स्ट वन इज आयरिस सीजर. इट्स स्मॉल 3 to 4 inches, ये छोटी सी सीजर होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेट 3 to 4 inches विद द शार्प पॉइंट्स. जैसे हमने पीछे हमने पढ़ा था सीजर के दोनों जो है, ड्रेसिंग सीजर में जो है दोनों के दोनों जो आपके पास एंड्स आते हैं सीजर के, वो सिमिलर नहीं होते हैं, एक ब्लंट होता है एक शार्प होता है. इन केस ऑफ आयरिस सीजर जो है हमारे पास दोनों ही शार्प पॉइंट्स होंगे, और जैसे जो आर्म की सर्जरीज होती हैं ऑप्थेल्मिक सर्जरीज, उन केसेस में हम आयरिस सीजर यूज करते हैं. जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है, दैट इज आयरिडेक्टमी. आयरिडेक्टमी का मतलब होता है अगर आपने आयरिस पोर्शन रिमूव करना है, देन इन दैट केस वी यूज सच सीजर्स, दैट इज आयरिस सीजर. फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.